चैप्टर 2 लेक्चर 15। आज हम लोग कवर करेंगे स्ट्रेन मेजरिंग डिवाइसेस एंड स्टेटर मॉनिटरिंग इन ओपन कास्ट। ठीक है, लास्ट क्लास में लोड मेजरिंग डिवाइसेस में देखे थे हम वाइब्रेटिंग वायर लोड सेल, रॉक बोल्ट लोड सेल, जो रॉक बोल्ट पे प्रेस लोड बताने के लिए यूज होता है, रॉक बोल्ट हाउ मच लोड इज एक्टिंग ऑन द रॉक बोल्ट, मैकेनिकल लोड सेल, एक हेलो। हाँ, लोड मेजरिंग डिवाइस में वाइब्रेटिंग वायर लोड सेल, रॉक बोल्ट लोड सेल, मैकेनिकल लोड सेल जिसमें एक इलास्टिक एलिमेंट होता है, डिस्क टाइप एलिमेंट होता है, हाइड्रोलिक लोड सेल जिसमें हाइड्रोलिक यूज करते हैं दो प्लेट्स के बीच। ठीक है, और स्ट्रेन गॉज लोड सेल जिसमें स्ट्रेन गॉज होते हैं, जिस स्ट्रेन से हम स्ट्रेस निकालते हैं, सॉरी लोड निकालते हैं। और फिर था स्ट्रेस मेजरिंग डिवाइसेस, स्ट्रेस मेजरिंग डिवाइसेस में स्ट्रेस सेल 2D में, मतलब 2D नहीं सॉरी 1D, एक स्ट्रेस सेल, वन स्ट्रेस सेल कैन गिव यू स्ट्रेस इन वन डायरेक्शन ओनली, यूनि डायरेक्शन। ठीक है, फॉर बाई एक्सियल मेजरमेंट वी नीड बोरहोल डिफॉर्मेशन गॉज। स्ट्रेस सेल अर्थ प्रेशर सेल फ्लोर प्रेशर निकालने के लिए, अर्थ प्रेशर सेल, बोरहोल प्रेशर सेल बोरहोल में प्रेशर स्ट्रेस बताने के लिए, और कंटिन्यूअस प्रेशर चार्ट रिकॉर्डर लॉन्ग वॉल सपोर्ट्स के साथ यूज करते हैं, पावर सपोर्ट्स के साथ, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ डेटा प्रेशर। स्ट्रेन मेजरिंग डिवाइस, स्ट्रेन मेजरिंग डिवाइस में दो ही डिवाइस है, पिलर, स्ट्रेन मीटर, सेकेंड इज रॉक बोल्ट स्ट्रेन गॉज। ठीक है, नाम से पता चल रहा है पिलर स्ट्रेन मीटर इज यूज टू मेजर स्ट्रेन इन पिलर एंड रॉक बोल्ट स्ट्रेन गॉज इज यूज टू मेजर स्ट्रेन इन रॉक बोल्ट। पिलर स्ट्रेन मीटर दे आर यूज टू मेजर द डिफॉर्मेशन ऑफ द पिलर। ठीक है, क्या मेजर करता है, डिफॉर्मेशन ऑफ द पिलर, इट हैज अ टेलीस्कोपिक रॉड, देख लो पहले, ये है तुम्हारा पिलर स्ट्रेन मीटर, ये नहीं, ये पूरा, ये है तुम्हारा पिलर स्ट्रेन मीटर, सिमिलर टू अ टेलीस्कोपिक कन्वर्जेंस रॉड। ठीक है, इसमें दो ट्यूब्स होते हैं, ये दो टेलीस्कोपिक दो आर्म्स होते हैं इसमें, इस तरह से, it has a telescopic rod inside a larger diameter tube anchored fixed in the pillar and the other end is fixed in the anchor at 1 meter below it. मतलब
ये तुम्हारा 1 मीटर होता है, ये डिस्टेंस 1 मीटर होता है, ये वाला डिस्टेंस। द बॉटम टेलीस्कोपिक पाइप, जो नीचे वाला टेलीस्कोपिक पाइप है, ये वाला बॉटम टेलीस्कोपिक पाइप, इसमें एक रियोस्टैट या वाइब्रेटिंग वायर रहता है फॉर स्ट्रेन मेजरमेंट। रियोस्टैट और वाइब्रेटिंग वायर, द बॉटम टेलीस्कोप टेलीस्कोपिक पाइप हैज अ रियोस्टैट और वाइब्रेटिंग वायर सेंसर अटैच टू इट। ठीक है, तो पिलर स्ट्रेन मीटर जो हम इंस्टॉल करते हैं वो कहाँ करते हैं, वो रूफ और फ्लोर के बीच में करते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा ऐसे पिलर होगा कहीं, है ना, मतलब पिलर में इंस्टॉल नहीं करते इसको, पिलर के साइड में इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, ये पिलर है ना, मतलब ऐसे तुम्हारा पिलर होगा, यहाँ पे इसको इंस्टॉल करते हैं। और इसको हम वायर के थ्रू रीड आउट यूनिट से अटैच कर सकते हैं ताकि रिमोटली इसका मेजरमेंट देख सकें। उसे हटा देते हैं, ठीक है, अच्छे से। ये वो पिलर स्ट्रेन मीटर, सिंपल। नेक्स्ट, रॉक बोल्ट स्ट्रेन गॉज, दे आर यूज टू मेजर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोल्ट लोड। ठीक है, बोल्ट पे क्या लोड, क्या स्ट्रेस है, क्या स्ट्रेन है, उसके लिए मल्टीपल स्ट्रेन गॉजेज आर इम्बेडेड एट रेगुलर स्पेसिंग अलोंग ईच रॉक बोल्ट इन ऑर्डर टू मेजर द एक्सियल लोड एंड बेंडिंग मोमेंट अलॉन्ग द फुल लेंथ ऑफ द बोल्ट। इस तरह से होता है, ये तो रॉक बोल्ट के साथ लगाते हैं इनको, जो हर रॉक बोल्ट के साथ लगता है, ये तुम्हारा स्ट्रेन गॉज है, ये तुम्हारा रॉक बोल्ट है, और ये तुम्हारा स्ट्रेन गॉज है, ये तुम्हारा रीड आउट यूनिट है। इंस्टॉल कैसे करते हैं इसको, फ्लोर है, ये तुम्हारा रॉक बोल्ट है, यहीं पे इसको इंस्टॉल करते हैं इस तरह से, तो सटा के तरह से। दे आर यूज्ड, दे आर एन इम्पोर्टेंट टूल फॉर मॉनिटरिंग द सपोर्ट सिस्टम परफॉर्मेंस अगेंस्ट द डिजाइन स्पेसिफिकेशन। ठीक है, सपोर्ट सिस्टम का परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हैं, मेजर करते हैं इसे। दे कैन बी फिक्स्ड एट रूफ साइड सरफेस स्लोप्स एम्बैंकमेंट्स, जहाँ जहाँ रॉक बोल्ट्स लगा सकते हैं वहाँ वहाँ इसका यूज करते हैं, रूफ पे लगा सकते हैं। ठीक है, रूफ बोल्टिंग में साइड उसमें लगा सकते हैं, साइड बोल्टिंग में। सरफेस स्लोप, स्लोप पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो जहां जहां रॉक बोल्टिंग कर सकते हैं वहां वहां इनको रॉक बोल्ट्स के साथ इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेन के साथ साथ ये एक्सियल लोड और बेंडिंग मोमेंट, ये बता, बेंडिंग मोमेंट तो लोग पढ़ पढ़ रहे होंगे शायद, या पढ़ लिए होंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, बेंडिंग मोमेंट सर, शियर स्ट्रेस एंड बेंडिंग मोमेंट, SFD, BMD, ये सब। ठीक है, और हमसे मत पूछना, हमको याद नहीं बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट, मोमेंट हुआ मतलब टॉर्क हुआ है। ठीक
कोई बीम है, तो उस बीम पे जो मोमेंट लग रहा है यहाँ पे, इस तरह केस में बीम पे क्या दो फोर्सेस एक्ट करती है, एक शेयर फोर्स रहता है और एक बेंडिंग मोमेंट रहता है। ठीक है, दो ये हो गया रॉक बोल स्ट्रेन गॉज। ठीक है, तो ये दो डिवाइस है तुम्हारे स्ट्रेन मेजरमेंट के लिए। तो ये एक तुम्हारा चार्ट है, जितना भी हम लोग पढ़े अभी तक। टेलीस्कोपिक कन्वर्जेंस इंडिकेटर क्या मेजर करता है, ये रूफ टू फ्लोर कन्वर्जेंस। एक्यूरेसी है 0.5 to 1 मिलीमीटर, एक्यूरेसी मतलब लीस्ट काउंट। ठीक है, रिमोट कन्वर्जेंस इंडिकेटर ये भी यूज होता है रूफ फ्लोर कन्वर्जेंस के लिए, एक्यूरेसी इसका 0.5 mm। लोड सेल, लोड सेल में बहुत सारे लोड सेल, रॉक बोल्ट लोड सेल है, ठीक है, और तुम्हारा वाइब्रेटिंग वाले लोड सेल है। तो ये सब क्या होता है, लोड ओवर द सपोर्ट और रॉक बोल्ट। ठीक है, इसका एक्यूरेसी है 0.0001 टन, 0.001 टन। स्ट्रेस सेल, चेंज इन स्ट्रेस पिलर पे स्ट्रेस निकालने के लिए, या थ्री डी स्ट्रेस, थ्री डी स्ट्रेस निकालने के लिए। थ्री डी स्ट्रेस निकालने के लिए हमको क्या, तीन स्ट्रेस सेल्स यूज करने पड़ेंगे अलग अलग डायरेक्शन में। एक्यूरेसी इसका 0.5% ऑफ फुल स्केल। अर्थ प्रेशर सेल और बोरहोल प्रेशर सेल, पिलर पे स्ट्रेस निकालने के लिए, फोर फ्लोर पे स्ट्रेस निकालने के लिए, बोरहोल में स्ट्रेस निकालने के लिए। रॉक बोल्ट स्ट्रेन गॉज, रॉक बोल्ट पे स्ट्रेन और स्ट्रेस बताने के लिए। टेल टेल एक्सटेंसोमीटर, इसके साथ साथ फ्लोर प्रेशर, फ्लोर और प्रेस इनसाइड बोर होल। टेलटेल एक्सटेंसोमीटर, कन्वर्जेंस एंड बेड सेपरेशन इन द इमीडिएट रूफ, मल्टी पॉइंट बोरहोल एक्सटेंसोमीटर, बेड सेपरेशन, केविंग केविंग बिहेवियर यानी गोफ का जो बिहेवियर है, गोफ का जो स्ट्रेस स्ट्रेन है वो। पिलर स्ट्रेन मीटर और क्रैक मीटर अभी हम लोग पढ़ेंगे। क्रैक मीटर तुम्हारा ओपन कास्ट में यूज होता है, ये पिलर डिफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, कंटीन्यूअस प्रेशर चार्ट रिकॉर्डर तुम्हारा मॉनिटरिंग लेग प्रेशर ऑफ चॉक शील्ड। चॉक शील्ड तुम्हारा पावर सपोर्ट को चॉक शील्ड भी बोलते हैं। चॉक शील्ड का मतलब पावर, पावर सपोर्ट को चॉक शील्ड भी बोलते हैं। एक बार देख लेना इसको। एक जनरल लेआउट है तुम्हारा वर्किंग पैनल का, यहाँ पे देखो ये तुम्हारे पिलर्स हैं, कोल पिलर्स हैं, एक कोल पिलर्स हैं, यहाँ पे देखो रूफ फ्लोर कन्वर्जेंस के लिए टेलीस्कोपिक कन्वर्जेंस रॉड लगा है ये वाला। यहाँ पे लोड सेल है लोड बताने के लिए, रूफ और फ्लोर के बीच में लोड बताने के लिए लोड सेल लगा है। बोरहोल एक्सटेंसोमीटर है, कहाँ है बोरहोल एक्सटेंसोमीटर, ये वाला बोरहोल एक्सटेंसो मल्टी पॉइंट एक्सटेंसोमीटर ये। हाँ, बोरहोल एक्सटेंसोमीटर हो सकता है। ठीक है, बोरहोल या मल्टी पॉइंट एक्सटेंसोमीटर है। यहाँ पे स्ट्रेस मीटर है, ये वाला स्ट्रेस मीटर, वही स्ट्रेस स्ट्रेस सेल। ठीक है, रिमोट कन्वर्जेंस इंडिकेटर है, तो ये जनरल लेआउट है तुम्हारे अंडरग्राउंड पैनल का। ये एक और है, यहाँ पे देखो क्या क्या है, ये तुम्हारा बोरहोल एक्सटेंसोमीटर है यहाँ पे, बोरहोल एक्सटेंसोमीटर है ये वाला। फिर ये कन्वर्जेंस इंडिकेटर है, टेलीस्कोपिक कन्वर्जेंस रॉड या रिमोट कन्वर्जेंस इंडिकेटर। ये तुम्हारा स्ट्रेस के लिए स्ट्रेस सेल है, ये लोड सेल है यहाँ पे, ये वाला कहाँ है,
ये वाला लोड सेल मतलब रॉक बोल्ट लोड सेल है, एंकर लोड सेल यानी वही रॉक बोल्ट लोड सेल। ये तुम्हारा वाइब्रेटिंग वायर या मैकेनिकल लोड सेल है। आर कहाँ है, रिमोट कंट्रोल इंडिकेटर दिख नहीं रहा है फोटो में। टेल टेल टी टी, ये टेल 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 एक्सटेंशोमीटर है ये वाला। ये देख लेना एक बार डायग्राम, जनरल लेआउट है तुम्हारा अंडरग्राउंड वर्किंग पैनल का, कहाँ कहाँ पे कैसे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स लगाते हैं। ये तुम्हारा बोर्ड एंड पिलर का लेआउट है, यहाँ पे देखो क्या क्या लगा हुआ है। ये डॉट्स जो है ये सब क्या है, ये सब टेल टेल्स हैं, ड्यूअल हाइट टेल टेल एक्सटेंसोमीटर। ये बड़े बड़े जो रेड डॉट्स हैं ये कहाँ है, ये सब ये तुम्हारे क्या है, ये सोनिक टाइप मल्टी पॉइंट एक्सटेंसोमीटर्स हैं। ये रिमोट कंट्रोल से इंडिकेटर है, ठीक है ये देख लेना डायग्राम एक बार खुद से। ये इधर स्ट्रेन गॉजेस लगे हैं यहाँ पे, स्ट्रेन गॉज नहीं ये नहीं है, ये स्ट्रेन गॉजेस है। ये 4 पॉइंट टेल्टेल एक्सटेंसोमीटर मतलब वही मल्टी वायर एक्सटेंसोमीटर। ये मल्टी पॉइंट एक्सटेंसोमीटर है, सॉरी मल्टी मल्टी वायर टेल्टेल, ये वाला ये ब्लू डॉट मल्टी वायर टेल्टेल, उसको जंक्शंस पे लगाए ठीक है। कहाँ कहाँ पे लगाए ये ध्यान देना, कौन सा तुम्हारा पिलर के साइड्स में लगाया, कौन कौन से बैरियर पिलर्स पे लगाया, कौन कौन सा जंक्शन पे लगाया, ये ध्यान देना। इस फिगर में क्या ध्यान देना है तुमको कि कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट है वो कहाँ पे लगा हुआ है, किस पोजिशन पे लगा हुआ है, ठीक है। जैसे तुम्हारा जो टेल टेल्स है, टेल टेल्स कहाँ लगा है, पिलर्स पे लगा है, ठीक है। और तुम्हारा जो मल्टी वायर टेल टेल है वो जंक्शन पे लगा है, ठीक है। और पिलर स्ट्रेन मीटर तो पिलर के बगल में लगेगा, ठीक। स्ट्रेस सेल कहाँ है, स्ट्रेस सेल भी तुम्हारे पिलर्स के साइड्स पे लगा है। ये तुम्हारा ड्यूअल हाइट टेल टेल जो है वो जंक्शन पे मतलब गैलरी में लगा है, जंक्शन पे तुम्हारा मल्टी पॉइंट एक्सटेंसोमीटर है, मल्टी पॉइंट नहीं मल्टी पॉइंट मल्टी वायर टेल टेल्स है, ठीक है। तो ये ध्यान देने का चीज़ है इसमें कि कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट है वो कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, ठीक है। तो ये सब देख लेना खुद से एक बार। ये लॉन्ग वॉल का लेआउट है, लॉन्ग वॉल देखो ये जो है तुम्हारा, ये रेड कलर, ये गो फेदर, ये तुम्हारा सपोर्ट है, ये तुम्हारा पावर सपोर्ट है। ये टेल गेट है, ये मेन गेट है, ये तुम्हारा पिलर है, ये तुम्हारा फेस हुआ, ये वाला ये फेस हो गया। और ऐसे हम इस तरफ की तरफ माइनिंग कर रहे हैं, तो देखो ये यहाँ पे जो रेड डॉट्स है वो क्या है, वो कंटिन्यूस प्रेशर चार्ट रिकॉर्डर है, सीटीआर कंटिन्यूस प्रेशर रिकॉर्डर। और वाइट वाले जो है वो क्या है, प्रेशर गॉज है, प्रेशर। और ये सब जो है टेल गेट्स और मेन गेट्स पे जो लगा हुआ है वो क्या है, कन्वर्जेंस कन्वर्जेंस इंडिकेटर है। लोड सेल कहाँ लगा है, बीच बीच में लोड सेल भी लगा है फेस के पास में, ठीक है। ये जो है ये क्या है, ये मल्टी पॉइंट बोरहोल एक्सटेंसोमीटर है, ये वाला। फिर टेल टेल भी लगा है, टेल टेल। और ये स्ट्रेस सेल लगे हैं यहाँ पे, ठीक। तो इसमें ध्यान देना क्या है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे इंस्टॉल किया गया, ठीक। तो ये हो गया हमारा अंडरग्राउंड, अभी हम लोग देखेंगे स्ट्रेटा मॉनिटरिंग इन ओपन कास्ट, ठीक है। तो यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो टेल टेल जंक्शंस में, नहीं नहीं सिर्फ जंक्शंस पे नहीं लगता, टेल टेल तो गैलरी में भी लगा सकते हैं। मल्टी वायर जो टेल टेल था वो देखो जंक्शन पे लगा था, एम्बैंकमेंट मतलब डैम डैम बांध बांध,
एम्बैंकमेंट, सिविल, सिविल जहाँ डैम, डैम नहीं, डैम मतलब डैम तो परमानेंट हो गया ना, जो फ्लड रोकने के लिए बांध बनाते हैं ना, एम्बैंकमेंट बोलते हैं उसको, रिवर का फ्लो चेंज करने के लिए या रिवर का ओवरफ्लो रोकने के लिए, कि जो रिवर के साइड्स में एम्बैंकमेंट्स बनाते हैं, तो वहां पे भी बोटिंग कर सकते हैं उसको स्ट्रेंथन करने के लिए। ठीक है, तो अभी स्ट्रेटा मॉनिटरिंग इन ओपन कास्ट लास्ट टॉपिक है हमारा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक्सटेंसोमीटर्स, टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमेट्री टीडीआर, इंक्लाइनोमीटर्स, पीजोमीटर्स और क्रैक मीटर, ये 5 डिवाइसेस देखेंगे हम यहाँ पे। पहला एक्सटेंसोमीटर, तो एक्सटेंसोमीटर में हम क्या यूज करते हैं, बोरहोल एक्सटेंसोमीटर यूज करते हैं। ठीक है, बोरहोल एक्सटेंसोमीटर्स कंसिस्ट ऑफ टेंशन रॉड्स एंकर्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स इन अ बोरहोल, ये तुम्हारा एक्सटेंसोमीटर है, मतलब ये मेरा स्लोप है। अगर तो हम इस तरह से इंस्टॉल करते हैं अपना बोरहोल एक्सटेंसोमीटर, एक्सटेंसोमीटर बताता क्या है, चेंज इन डिस्टेंस बिटवीन द एंकर एंड द रॉड हेड्स प्रोवाइड द डिस्प्लेसमेंट इंफॉर्मेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, हर पॉइंट पॉइंट्स पे एंकर्स लगे होते हैं, एंकर्स। ठीक है, ये सब क्या है, एंकर्स। तो जैसे कैसे मल्टी पॉइंट एक्सटेंसोमीटर में, मल्टी पॉइंट एक्सटेंसोमीटर में क्या होता था, अलग अलग पॉइंट, ये अलग अलग वो होते थे, ये सब एंकर्स होते थे अलग अलग, तो हमको क्या मिलता था इनसे, अलग अलग डिस्प्लेसमेंट मिलता था, ये डिस्प्लेसमेंट मिलता था, ये डिस्प्लेसमेंट मिलता था, ये डिस्प्लेसमेंट मिलता था। तो वैसे यहाँ पे एंकर्स के बीच का डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो इससे अगर चेंज होता है, दो एंकर्स के बीच का डिस्टेंस अगर चेंज होता है, तो उससे हमको पता चलता है कि मेरा जो रॉक का मूवमेंट है स्लोप में, स्लोप का जो मूवमेंट है वो कैसा है, वो किधर मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो जो रॉक स्लोप है, रॉक स्लोप का डिस्प्लेसमेंट का पता चलता है हमको दोनों हर एंकर्स के बीच का जो डिस्टेंस मेजर कर करके। ठीक है, क्या मेजर करता है एक्सटेंसोमीटर, क्या यूज कर मेजर करता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये सारे एंकर्स हैं। यहाँ पे देखो और भी चीजें दी हैं, पाइजोमीटर ऐसे इंस्टॉल करते हैं, पाइजोमीटर, पीजोमीटर, ये इंक्लाइनोमीटर है, ये क्रैक मीटर है, सरफेस वायर एक्सटेंसोमीटर, इसको क्रैक मीटर बोलते हैं। ठीक है, ये सब ये देखेंगे आगे। ये तो सिंपल है एक्सटेंसोमीटर, एक्सटेंसोमीटर तुम्हारा बोल्ट की तरह, जैसे बोल्ट लगाते हैं उसी तरह से एक रॉड होता है, टेंशन रॉड होता है, उसको इंसर्ट कर देते हैं स्लोप में, और उसमें डिफरेंट एंकर्स होते हैं, तो हर दो एंकर्स के बीच का डिस्प्लेसमेंट का रीडिंग आता है हमको। ठीक है, तो वो रीडिंग देख के हम इन्फर करते हैं कि हाउ इज द मूवमेंट ऑफ द रॉक स्लोप। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमेट्री, तो इसका यूज भी करते हैं स्लोप मॉनिटर करने के लिए। ठीक है, तुम्हारा बोरोल एक्सटेंसोमीटर भी स्लोप में, रॉक स्लोप का मेजरमेंट के लिए होता है, डिस्प्लेसमेंट, रॉक स्लोप का डिस्प्लेसमेंट मेजर करने के लिए होता है। टीडीआर भी जो है वो स्लोप मॉनिटर करने के लिए होता है। एक बार इमेज देख लो इसका, ये थोड़ा सा एडवांस डिवाइस है, इसमें होता क्या है, पहले इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। इन टीडीआर अ केबल टेस्टर सेंड्स अ वोल्टेज पल्स वेव फॉर्म डाउन अ केबल ग्राउटेड इन अ बोरहोल। क्या होता है कि हमारा ये स्लोप है, एक हमारे पास सिस्टम रहता है। ठीक है, उस सिस्टम के थ्रू हम क्या करते हैं, एक पल्स,
यानी एक सिग्नल सेंड करते हैं तुम्हारे, एक यहाँ पे केबल रहता है, उस केबल के थ्रू हम सिग्नल सेंड करते हैं किससे, ठीक है। उसके बाद इफ द पल्स एनकाउंटर्स अ चेंज इन कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ द केबल, अगर मान लो यहाँ पे कोई क्रैक वैक रहेगा, ठीक है, कोई क्रैक रहेगा या कुछ कोई डिस्कन्टिन्यूटी रहेगी, कोई क्रैक है मान लो, डिस्कन्टिन्यूटी है, ठीक है, डिस्कन्टिन्यूटी है, मान लो डिस्कन्टिन्यूटी है एक, ठीक है, तो जब अगर ये सिग्नल कोई डिस्कन्टिन्यूटी इनकाउंटर करेगा तो क्या होगा उसमें, उसका इम्पीडेंस चेंज हो जाएगा। इम्पीडेंस क्या होता है, इम्पीडेंस इज रेजिस्टेंस, ठीक है, जहाँ पे तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज होता है ना, वहां पे इम्पीडेंस, जैसे तुम्हारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में रेजिस्टेंस होता है ना, वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स में इम्पीडेंस होता है। एसी एसी सिग्नल्स में, ठीक है, एसी सिग्नल्स में भी इम्पीडेंस होता है, जहाँ अल्टरनेट करंट में भी हम इम्पीडेंस निकालते हैं, और डायरेक्ट करंट डीसी में क्या होता है, डीसी में तुम्हारा रेजिस्टेंस होता है, और जहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज होते हैं वहाँ पे भी इम्पीडेंस होता है, ठीक है, इम्पीडेंस इज सिमिलर टू रेजिस्टेंस, ठीक है, उतना इलेक्ट्रिकल जानने की जरूरत नहीं है, रेजिस्टेंस समझ लो बस। तो जहाँ पे ये वेव, ये सिग्नल जो है, जो हम अपना सिस्टम से भेजे हैं, तो वेयर दिस सिग्नल विल एनकाउंटर अ डिस्कन्टिन्यूटी, इट्स रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस विल चेंज, ठीक है, और जो ये चेंज होगा तो ये हमको अपने सिस्टम में दिखेगा, ठीक है, जैसे मान लो हम यहाँ से इनपुट वेव भेजे कुछ इस तरह का, मान लो इस तरह कुछ इनपुट वेव भेजे हम, मान लो ऐसा ये हमारा इनपुट वेव है, इस तरह का सिग्नल हम भेजें इनपुट में, अब यहाँ से जो रिटर्न सिग्नल आएगा हमको, वापस से यहाँ से जो हमको रिटर्न सिग्नल आएगा, अगर उसमें कोई डिस्कन्यूटी एनकाउंटर होगी, इफ योर डिस्कन्यूटी इज एनकाउंटर्ड देन द आउटपुट सिग्नल विल बी, कुछ जहाँ पे डिस्कन्यूटी इनकाउंटर होगी वहाँ पे ऐसे हो सकता है कुछ ऐसे बढ़ जाए, ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये जो है इसका मतलब यहाँ पे वी हैव इनकाउंटर्ड अ डिस्कन्यूटी और अ फेलियर, ऐसा कुछ, दिस कैन बी कॉज्ड बाय अ क्रिम, अ किंक, अ प्रेजेंस ऑफ वाटर और ब्रेक इन द केबल, ठीक है, तो ये जो चेंज है वो तुम्हारा वाटर की वजह से भी हो सकता है, केबल ब्रेक होने की वजह से भी हो सकता है, डिस्कन्टिन्यूटी की वजह से भी हो सकता है, कोई फ्रैक्चर प्लेन आने से भी हो सकता है, किसी भी तरह का डिस्टरबेंस आएगा तो वो हमको अपने आउटपुट सिग्नल में रिफ्लेक्ट होगा। द केबल टेस्टर कंपेयर द रिटर्न पल्स विद द एमिटेड पल्स एंड डिटरमाइंस द रिफ्लेक्शन कोफिशियंट ऑफ द केबल एट दैट पॉइंट, रिफ्लेक्शन कोफिशियंट मतलब कितना जो डिफरेंस आ रहा है आउटपुट और इनपुट के बीच में, जो डिफरेंस आ रहा है, द चेंज इन इम्पीडेंस विद द टाइम कॉरिस्पॉन्ड्स क्वालिटेटिवली टू द रेट ऑफ ग्राउंड मूवमेंट, ठीक है, अब जो ये चेंज है इसको हम टाइम से, अब मान लो ऐसे जो तुम्हारा, मान लो ये तुम, मान लो सिंपल ये ऐसा वेव तुम भेजे, ये तुम्हारा इनपुट है और तुम्हारा आउटपुट कुछ ऐसा आया, ठीक है, इसका मतलब कोई छोटे टाइम के लिए आया, फॉर अ स्मॉल टाइम इट हैज अकर्ड, इसका मतलब कोई छोटा सा डिस्कन्टिन्यूटी होगा, ठीक है, लेकिन मान लो अगर कुछ इस तरह का चीज आ गया, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा कि वी हैव अ मेजर डिस्कन्यूटी, अ मेजर कोई डिस्टरबेंस है वहां पे, ठीक है, तो टाइम के साथ कंपेयर करके हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं द रेट ऑफ ग्राउंड मूवमेंट, ठीक है, अब जहां पे भी ये डिस्कन्यूटी होगा, फ्रैक्चर होगा, तो क्या होगा, ग्राउंड
रॉक का मूवमेंट, स्लोप का मूवमेंट होगा, तो उसी को हम इनकाउंटर करते हैं। अगर बहुत ज्यादा स्मॉल टाइम में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है इसका मतलब, तो जो हमारा ग्राउंड मूवमेंट क्या है वो बहुत हाई रेट पे ग्राउंड मूव कर रहा है, ठीक है। अगर सेम टाइम पे अगर बहुत कम डिस्कंटिन्यूटी है, बहुत कम डिस्टर्बेंस है, इसका मतलब कि कोई माइनर डिस्कंटिन्यूटी रही होगी। एडवांटेज क्या है टाइम डोमेन रिफ्रेक्टोमेट्रिक का? लोअर इंस्टॉलेशन कॉस्ट, नो लिमिट्स ऑन होल डेप्थ, ठीक है, किसी भी कितना भी डेप्थ तक जा सकते हैं, क्योंकि हमको क्या सिग्नल भेजना है बस, तो हम जितना हो सके जितना मतलब हाई डेप्थ पे भी जा सकते हैं। इमीडिएट डिटर्मिनेशन ऑफ मूवमेंट, ठीक है, हमको तुरंत पता चलता है कुछ भी मूवमेंट होने पे, वी गेट दी रियल टाइम डेटा। रिमोट डेटा एक्विजिशन कैपेबिलिटी, रिमोट डेटा एक्विजिशन मतलब रिमोटली वी कैन मेजर द मूवमेंट ऑफ द ग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पे सिस्टम से हम क्या भेजे, ये अपना सिग्नल इलेक्ट्रिक पल्स सेंड डाउन कोएक्सियल केबल, यहाँ से हम भेजे, यहाँ पे एक डिस्कन्यूटी थी, तो क्या हो गया यहाँ पे, पल्स रिफ्लेक्टेड एट क्रिम्स एंड ब्रेक्स, तो हमारा जो आउटपुट सिग्नल रहेगा वहां पे हमको रिफ्लेक्ट करेगा, सिवियरिटी ऑफ एंड डिस्टेंस टू रिफ्लेक्शन इज डिटरमाइंड। सिवियरिटी कैसे पता चलेगा, वही तुम्हारा टाइम से कंपेयर करके, लेस टाइम पे ज्यादा, अगर बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आ रहा है लेस टाइम पे, ठीक है, मतलब एक ये इसमें मतलब कि माइनर है, माइनर डिस्कन्यूटी है, लेकिन अगर कुछ इस तरह का डिस्टर्बेंस आ रहा है तो मतलब मेजर डिस्कन्यूटी है कुछ। ठीक है, समझ में आया। SSR क्या है, स्लोप स्टेबिलिटी रडार, हाँ वो सब बहुत एडवांस चीजें हैं, वो लोगों को उसमें मिलेगा, रिसर्च पेपर्स में मिलेगा। हाँ जस्ट लाइक वी सेंड SSR एंड PO, वैसे ही सिमिलरली हम एक सिग्नल भेजते हैं और आउटपुट सिग्नल, इनपुट सिग्नल आउटपुट सिग्नल को। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.